भाई साहब, ये मशीन वापस करवाओ। भाई साहब मैं नहीं करवा सकता किसी भी कीमत पे। कैसे भी करवाओ इसे वापस करवाओ भाई। भाई साहब ये मशीन आपने कहीं और से ली है तो मैं क्या कर सकता हूँ इसका? ये फालतू की मशीन आपने ली क्यों? ये क्या काम है इस मशीन का? क्या काम है आपको? मशीन चाहिए, बढ़िया मशीन चाहिए। हमें किसी भी तरीके से ये मशीन वापस करवाओ। ये मशीन वापस नहीं होगी, मैं आपको दे रहा हूँ। आपको बढ़िया मशीन चाहिए, ये देखेंगे आप पहली बार YouTube के ऊपर, आप देखेंगे ऑटोमेटिक झाड़ू बनाने की मशीन है। ऑटोमेटिक मशीन है ये? बहुत सर ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें आपको कोई हैंडल नहीं चलाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ झाड़ू का मटेरियल इस तरह से लगाना है। ओ भाई सर टूट गया तो? अरे नहीं सर टूटा नहीं है। क्या बात कर रहे हो? ये देखिए सर। अच्छा जी, ये हमारे ड्राई मोप की वैरायटी है और ये क्वालिटी है। ये देखो इस तरह की, अगर आपको रिफिल चेंज करना तो ऐसे होगा। क्लीनिंग का राजा अगर मैं कहता हूँ ना इस प्रोडक्ट को, कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 रुपए के रेंज में आपको ये मिल जाता है। अच्छा, और ये आप एक हाथ मारेंगे और ये देखो। अरे भाई साहब क्या बात है, प्रोडक्ट लेके आता हूँ और हर बार ऐसी नई नई वैरायटी लेके आता हूँ। अब ये देखो आप क्या बात कर रहे हो सर। ओए भाई साहब, और ये लो जी ये देखो, मतलब आग से भी खराब नहीं हो रहा ये। दोस्तों आज हम दिखा रहे हैं आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक और अनोखा बिजनेस, मतलब ऐसा व्यापार है जिसको कि आप काफ़ी कम पूंजी से, कम इन्वेस्टमेंट से देखिए स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ही धमाकेदार देखिए इस तरीके से मशीनें आप लोगों को मिल जाएंगी। मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए शानदार सी देखिए मशीन आप लोगों को आज की वीडियो में पूरा हम दिखाने वाले हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया है। सर कौन से व्यापार, कौन से लघु उद्योग के बारे में बता रहे हैं आज? सर आज दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ, ये आप देखोगे बिल कटे हुए हैं, ये सब लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। अच्छा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आज आपको कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है जी। आप इस बिजनेस को करोगे तो आप प्रॉफिट कमा सकते हो। दिवाली तक इतने धूम मचेगी इस बिजनेस के अंदर बिल्कुल कि आप डिमांड को पूरा नहीं कर पाओगे। अच्छा, और तो और मैं आपको कितनी सारी चीजें ना इस वीडियो के अंदर ऐसी भी दिखाऊंगा मार्केट में आपको किस तरह से पागल बना रहे हैं, या फिर क्या चीज आपको लेनी है और क्या नहीं लेनी है, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो मशीन आपको मार्केट के अंदर मिलती है वो कितनी अनयूज्ड होती है या फिर यूजलेस होती है। अच्छा, अब आप ये देखिए, मुझे बनानी है एक झाड़ू। बिल्कुल ठीक है, अब मुझे झाड़ू बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? मुझे घास चाहिए, फट्टी चाहिए जो कि मैंने इसमें पहले ही लगा ली है। ठीक है, घास और फट्टी मैं इसके अंदर लगा चुका हूँ। अब सबसे पहले मैं इस घास और फट्टी को इसके अंदर प्रेस कर दूंगा। सबसे पहले मैंने ये लगाया। अब इसमें आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको ये दोनों के दोनों बोल्ट ना खोलने पड़ते हैं। ठीक है, इस तरह से आप पहले ये दोनों के दोनों बोल्ट खोलोगे। मतलब बड़ी मेहनत लग रही है सर इसमें तो? ये सर मार्केट की मशीन है ना, लोगों को पागल बना के दी जा रही है। बिल्कुल, सर पहले ये दो बोल्ट खुलेंगे। अच्छा, फिर ये मशीन इसके, ये झाड़ू इसके अंदर इस तरह से लगेगी। ठीक है सर, अब ये देखो सबसे जो परेशानी वाली चीज है ना वो ये है, ये चक्की चलानी पड़ती है हमें। देखो कितनी धीरे ये मतलब बाहर निकलती है, कितनी आवाज भी आ रही है, कितनी आवाज आ रही है। अरे ओ भाई साहब, ऐसे अच्छा। चक्की से चलानी पड़ती है। मतलब ये है जो मार्केट है, मशीन मिल रही है, देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है सर, ठीक है, अब ये क्या, अभी इसको और चक्की चलाओ, इसको बाहर निकालो। भाई मैं तो थक गया। अब ये यहाँ पर आएगी। बिल्कुल, फिर आपको ये लेना है और यहाँ पे लगाना है। फिर इसमें ये बोल्ट कसने पड़ेंगे आपको, ये जी जी, पहले ये बोल्ट कसने में ही आपका आपको टाइम लगेगा। ठीक बात है, फिर आपको ये पकड़नी है, ठीक है, और फिर ये चक्की चलानी है। अच्छा, तो ये जो है ये एक अनयूज्ड वाले काम है, इन मशीनों को आपको नहीं लेना चाहिए मार्केट। मतलब एक झाड़ू बनाने में कम से कम 10 मिनट लग जाएंगे हमारे। एक झाड़ू बनाने में इस तरह से आपको 10 मिनट लग जाएंगे। बिल्कुल, और जो मैं आपको अपनी मशीनें दिखाने वाला हूँ आपको चंद सेकंडों के अंदर ही मशीन बन जाएगी। अच्छा जी, सर ये हमारी मशीन है। अच्छा, इसका वेट अराउंड 18 से 20 केजी की मशीन होती है हमारी। बिल्ड क्वालिटी भी काफी हैवी लग रही है दोस्तों, देख सकते हैं इस तरीके से क्वालिटी है एकदम। अब आप इसमें यूज देखे, सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छा इसको अनलॉक करो। ठीक है, ये थोड़े से भी अनलॉक हो जाएगा आपका, इसको अब आप खोल लो, ये ऐसी खुल जाएगा। ठीक है, ये पूरा हटता नहीं है हमारी में। ठीक है, ये आपने लिया इस तरह से, इसको अंदर किया जी। ठीक है, और अब आप ये देखेंगे सर कि हमारी मशीन के अंदर बैरिंग कितनी तेजी से घूमता है। बिल्कुल, ये आवाज भी नहीं आ रही, मतलब साउंड बना रखा है अपने। अब इसके अंदर आपको ये बार बार नहीं खोलना पड़ेगा, एक बार ही सेट करके ओके, और आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक बार खोल के दिखाया। अब आपने क्या करना है, झाड़ू को इस साइड से सिर्फ अंदर ऐसे करके ऐसे अंदर डाल दोगे। ठीक है, और इसको यहाँ पे सिर्फ लॉक कर दो जी, ऐसे करके आपने सिर्फ टाइट करना, तो ये यहीं पे रुका रहेगा। ठीक है सर, अब आप ये देखिएगा
कि ये किस स्पीड से आगे चल रहा है। ये बैरिंग है, ये देखो आप कितनी जल्दी आगे अंदर जाएगा। ये देखिए, अच्छा क्या बात है, ठीक है सर, बिल्कुल। ये देखिए, ये फटाफट से अंदर जा रहा है क्योंकि इसकी जो गरारी है ना वो हमारी हैंडमेड है, बिल्कुल, वो हम लोगों ने बनाई हुई है। अब इसके अंदर से आप ये देखेंगे झाड़ू बनकर रेडी हो गई है। अब इसके बाद में मैं एक और मशीन आपको दिखा रहा हूँ जो कि हमारी ऑटोमेटिक मशीन है झाड़ू बनाने की। अच्छा। जो कि फर्स्ट टाइम आप यूट्यूब के ऊपर पहली बार देखोगे। ओके। झाड़ू ऑटोमेटिक मशीन से बनाई जा रही है, पहली बार आप यूट्यूब के अंदर सहानी मोप एंड स्टिंग्स पे देखेंगे पहली बार। ये देखेंगे आप पहली बार यूट्यूब के ऊपर आप देखेंगे ऑटोमेटिक झाड़ू बनाने की मशीन है। ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, बहुत सर ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें आपको कोई हैंडल नहीं चलाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ झाड़ू का मटेरियल इस तरह से लगाना है। ओके। ये हमने लगा दिया, मैं इसको भी पकड़ के रखूंगा क्योंकि मैं इसको अभी ज्यादा टाइट नहीं करूंगा। ठीक है। आप जब बनाएंगे तो मैं आपको बनाने सिखाऊंगा, तो इसको टाइट कर देंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। इसमें आपको जो नट दिया जाएगा वो हैंडल वाला दिया जाएगा। अच्छा। फिर इसके बाद सिर्फ आपने क्या करना है, ये बटन आपको इस तरह से चला देना है। अब ये देखेंगे आप, ये झाड़ू का मटेरियल आगे होना शुरू हो गया। वाह, ये देखिए दोस्तों, मतलब पूरी ऑटोमेटिक बना दी आपने। ठीक है सर, क्या बात है। देखिए झाड़ू का प्रेस आप देखो कि कहाँ पे जब पहुंच गया। और अगर मैं इसको छोड़ भी दूंगा, ये आप देखो कैसे चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है ना आगे। तो इसका मतलब कोई लीवर नहीं घुमाना, कोई मेहनत नहीं करनी, करना आपको ये प्रेशर, आप ये देखेंगे कि आगे किस तरीके से बढ़ रहा है। क्या बात है। ठीक है सर, अब मैं इसकी ना पावर आपको दिखा देता हूँ जी। ये हमारी झाड़ू रेडी हो गई है जिसकी कॉस्ट हमें बहुत ही कम पड़ेगी, बिल्कुल। इसमें आपने आपको क्या करना है, इस तरह से ये लगाना है, ये आपको लॉक इसका हैंडल ले लेना है। ठीक है, ये इस तरह से लगाएंगे, ये आपका लॉक लग गया, ये देखिए, और इस तरह की ये पन्नी होगी। मतलब मार्केट में झाड़ू बिकने के लिए देखिए एकदम तैयार हो चुकी है सर। ये क्या बात, चंद सेकंडों के अंदर आपकी झाड़ू बिकने के लिए ना मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो गई। ये देखिए जी, पैक हो गई पूरी, बस ये आपकी झाड़ू बिकने के लिए तैयार है, वो भी ऑटोमेटिक मशीन से। ये देखो मशीन की ताकत कितनी है, ये अब आपको मशीन की पावर दिखेगी। ऑटोमेटिक मशीन है, कितना प्रेशर झेल सकती है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब पूरा हथौड़ा लगा दिया सर ने, आप ये देख सकते हैं, हथौड़े के ऊपर आज कवर चढ़ के दिखाएगा। ओके। झाड़ू की घास क्या चीज है जो की इसके अंदर आसानी से चल जाएगी। पहले कैसे जा रही है इसके अंदर, ये देखो कोई हाथ नहीं लग रहा, कुछ नहीं है, सिंपल। ये आप देखो, ये देखो कहाँ जा रहा है, ये देखिए जी। ठीक है, क्या बात, ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से आपके झाड़ू का पाइप भी आगे बढ़ेगा जो कि पूरी की पूरी घास को अंदर की साइड में कर देगा। और आप प्रेशर देख सकते हो सर जी जी ये। और अभी मैंने इसको आपको खोल के भी दिखाऊंगा और हाथ से भी अंदर करके दिखाऊंगा। ओके। कोई उल्टी चीज नहीं है, कोई आपको ड्रामा नहीं दिखाया जा रहा, कुछ सही बात है। ये देखो यहाँ तक ये खत्म हो गया, बिल्कुल। मैं इसको बंद कर दूंगा, आगे और पीछे दोनों मशीन दोनों तरह से ही ऑटोमेटिक चलेगी आगे और पीछे, इसमें आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, ये देखो सर, अब मैं इसको खोल के दिखा रहा हूँ। अच्छा, ओ भाई साहब, अच्छा देखो आवाज आई है ना, मतलब प्रेशर से बंद हुआ था। ठीक है, पूरी ताकत से देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से। देखिए भैया को निकालना पड़ा इसके अंदर से। देखो अब मैं इसको प्रेस करूंगा जी, ऐसे करके, तब ये प्रेस होगा। अब मैं आपको दोबारा अगर इसको करके दिखाऊंगा ना, सही बात है, तो मेरी मशीन देखो किस हिसाब से इसको फटाफट से प्रेस करके दिखाएगी आपको। मतलब बात करूं तो ये पावर दिखा रहे हैं आपको, ये देखो बिल्कुल मशीन की पावर देखो आप किस तरह से अपने आप काम कर रही है। और मैं इसको अभी खोल के दिखाऊंगा तो भी आपको प्रेस दिखेगा कि हाँ भाई हवा किसी तरह से जोर लगा हुआ है इसमें। सिंपल सी मशीन है और सिंपल से ही पैसे हैं, बहुत ही कम रेट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 6,500 रुपए के अंदर। अच्छा, हमने इस मशीन को इंट्रोड्यूस किया है। क्या बात आप कर रहे हो सर, 6,500 रुपए की आपको हैंड मैनुअल मशीन मिलती है कहीं पे भी आप पता, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक मशीन सिर्फ और सिर्फ 6,500 रुपए की मिलेगी। अच्छा, और इसके साथ में अगर आप झाड़ू का मटेरियल भी हमसे परचेज करेंगे तो उसमें और भी स्पेशल डिस्काउंट मैं आपको दूंगा। प्लस झाड़ू का मटेरियल आप मेरे पास में प्लास्टिक झाड़ू ले सकते हो, मेटल झाड़ू ले सकते हो, प्लास्टिक झाड़ू का हो तो प्लास्टिक हैंडल भी ले सकते हो, मेटल हैंडल हो गया, प्लास्टिक का जो ब्रूम आती है वो भी आपको मिल जाएगी। और मेरे पास में और भी कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अभी आपको आगे दिखा रहा हूँ। सर सबसे पहले मैं आपको वाइपर का रॉ मटेरियल दिखा रहा हूँ, कौन सा किस रेट पे आपको मिलता है। ठीक है, ये वाइपर का फर्स्ट क्वालिटी का आपको, या फ्रेम की क्वालिटी देख सकते हैं, फर्स्ट क्वालिटी का किचन वाइपर है। क्या बात, इसकी कॉस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में 8,500 रुपए आती है। अच्छा, 1 रुपए की आपकी रबड़ रहेगी। ठीक है, और आपको इसको बनाने के लिए सीट कटी हुई मिलेगी, आपको इस तरह से कटी हुई सीट मिलेगी। ठीक है, ये आपने क्या करना है, सिर्फ इसको यहाँ पर इस तरह से लगा लेना। अच्छा, ठीक है, और ये आपका वाइपर रेडी हो जाएगा यहाँ पर जी। ये बस आपने सीट यहाँ पर लगानी है। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पर सीट लगाएंगे इसके बाद में आपको ये इस तरह के लॉक लेने, और ये हाथ से ही लग जाते हैं, इसके लिए आपको कोई इनिशियल खर्चा नहीं करना। अच्छा,
ठीक है, और इस सिंपल से लॉक लग जाते हैं, इसमें तीन लॉक लगेंगी और इस वाइपर का वाइपर आपका बनके रेडी हो जाएगा, मल्टी कलर्स के अंदर अवेलेबल होता है। 8.5 रुपए इसकी कॉस्ट होती है। बाद हमारे 12 इंच 12 इंच का वाइपर होता है जो की प्लास्टिक हैंडल के साथ में होता है, इसका भी रॉ आपको मिलेगा, ठीक है। इसकी कॉस्ट आपको 1800-1900 रुपए की सिर्फ और सिर्फ पड़ती है इस वाइपर की, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लोग लाते हैं आपके लिए इस तरह का, ये CNG वाइपर बोलते हैं हम इसको, प्लास्टिक वुडन स्टिक के साथ में मिलेगा, ठीक है। इसको आप सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में 22 रुपए का परचेज कर सकते हैं, सिर्फ 22 रुपए का मिलेगा आपके पास, सिर्फ 22 रुपए का मिलेगा सर, और वो भी इस वाली रोड के साथ में मिलेगा, ये पूरी की पूरी रोड इसके अंदर लगी हुई होगी। मतलब मार्केट में तो सर बात करें तो 70-80 रुपए तक बेचते हैं इसको, सर 70-80 रुपए तक रिटेल सेल होगा। अगर आप होलसेलिंग भी करते हैं तो 10-15% का या 20% का मार्जिन रखे आराम से रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात। मैं इसी के अंदर दूसरा दिखाता हूँ, ये प्लास्टिक आपके इसमें मेटल रोड भी लगा सकते हैं, आप इसे वुडन स्टिक भी लगा सकते हैं। इसका फ्रेम जो होगा ये आप हमारे पास में खरीद सकते हो, 15 रुपए का फ्रेम होगा, 5.5 रुपए की आपको रबड़ मिल जाएगी, 11 रुपए की आपको वुडन स्टिक दे दूंगा, ठीक है। और ये आप इसके अंदर इस तरह से लगा के मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। ओके। इसकी जो कॉस्ट आती है सिर्फ और सिर्फ आपको 30-32 रुपए की पड़ेगी। अच्छा। और आप इसको मार्केट के अंदर 40-50 रुपए का सेल कर सकते हो। क्या बात है। अब मैं इसी के अंदर अगर ये वाली रोड लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेटल रोड काफी लग जाएगा, मेटल रोड लग गई। ये वाइपर आपको रॉ मटेरियल होता है इसका, ये रेडी वाइपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका रॉ आपको मिल जाएगा, ये आपको अराउंड 39-40 रुपीज तक मिल जाएगा। अच्छा जी। और इसमें रोड आप जितने भी साइज की लेना चाहें वो आप ले सकते हैं, अलग अलग कॉस्ट के साथ में आपको मिल जाएगी, ठीक है। मतलब ये सारे साइजेस आपके पास देखिए वाइपर के मिल जाने वाले हैं। आप मार्केट के अंदर जो बिकता है ना फ्रेम वो देखिए इस क्वालिटी का होता है। ओके। कैसा लप्पू झप्पू सा फ्रेम है, बिल्कुल हमारा फ्रेम जो होगा वो आपको इस तरह का जेन्युइन फ्रेम मिलेगा। अच्छा, ठीक है। मतलब क्वालिटी जो है बढ़िया मिलेगी आपको, फ्रेम आपको मिलेगा, ठीक है। आप इसके अंदर अगर वाइपर बनाएंगे तो 40 रुपीज तक आपको अवेलेबल मिल जाएगा, मेटल रोड के अंदर होगा, ठीक है। इसमें इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना तो इसमें आपको 1 इंच की रोड लगेगी, यहाँ पर 1 इंच की रोड के साथ में जब आप मार्केट के अंदर सेल करने के लिए जाएंगे रोड मोटी होगी वो बढ़िया पैसे आपको देगा, बिल्कुल। अब मैं बात करता हूँ अपने 16 इंच के अंदर टायर रबड़ वाले वाइपर के बारे में, बिल्कुल। ये देखिए सर, सबसे ज्यादा हाई डिमांडिंग वाइपर रहता है, हाई क्वालिटी वाइपर है ये मेरा, और सबसे ज्यादा चलने वाला भी है, सबसे ज्यादा चलने वाला वाइपर भी यही है। अब इसको बनाने को आप सिर्फ ये देख सकते हो, इसका पूरा का पूरा रॉ अवेलेबल होगा मेरे पास। अच्छा, ऐसे सिर्फ आपको देखिए, और यहाँ पर आप स्क्रू लगा देंगे, इनमें 5 स्क्रू लगेंगे जी। जो स्क्रू आपको इसमें अवेलेबल मिलेंगे, इसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको 55 रुपए की मेरे पास में मिल जाएगी। अच्छा जी। एज पर क्वांटिटी आपका रेट ऊपर और नीचे और भी हो जाएगा। क्या बात है, ठीक है सर। मतलब बात करूँ तो सर वैरायटी है आपके पास वाइपर की सारी मिलने वाली है यहाँ पर। सर अब मैं देखिए 21 इंची वाइपर की मैं आपको दिखा देता हूँ, 21 इंची वाइपर का फ्रेम, इतने बड़े भी है 21 इंची वाइपर, ये आपको मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए का फ्रेम मिल जाएगा। अच्छा, 20 रुपए का ये फ्रेम होगा, मेटल रोड होगी, रबड़ होगी, इसमें गिट्टी लगेगी, हैंडल लगेगा, मुट्ठा लगेगा, सारी चीजें लगने के बाद में 62-63 रुपए का सिर्फ आपको ये मेरे पास में मिल जाएगा, और आप इसको मार्केट के अंदर 70-80 रुपए तक सेल कर सकते हो। 70 रुपए तो होलसेल में मार्केट के अंदर सदर मार्केट के अंदर सेल हो रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 64 रुपए का मिल। बताइए, अब मैं लेकर आता हूँ आपके लिए सबसे हैवी क्वालिटी, जो की हैवी क्वालिटी के साथ साथ इसका साइज भी बड़ा हो गया। ये आप देखो, काफी बड़े साइज का वाइपर दे रखा है सर। ये तो सर ये 21 इंची वाइपर के अंदर मेड वाइपर है, टायर रबड़ के साथ में हैवी क्वालिटी है इसकी जी, ठीक है। आप इस क्वालिटी के अंदर अगर वाइपर को सेल करेंगे सिर्फ और सिर्फ 72 रुपीज का आपको हमारे पास में मिल जाएगा। अच्छा, आप क्वालिटी देख सकते हैं कितनी हैवी क्वालिटी। मेटल रोड की अगर मैं बात करूं, इस तरह की 5 फीट की मेटल रोड आपको इसके साथ में मिलेगी, ठीक है, ठीक है सर। इस तरह की 5 फीट की मेटल रोड आपको इसके साथ में मिलेगी, 1 इंच की रोड होगी। आप इसको मार्केट के अंदर सेल करेंगे तो बहुत हाई डिमांडिंग प्रॉफिट है और हाई डिमांडिंग रिटर्न आपको इसमें इसके अंदर मिलेगा, बिल्कुल। अगर आप इस तरह का प्लास्टिक हैंड आप इस तरह का प्लास्टिक स्टिक वाला वाइपर बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, ठीक है। ये 12 रुपए का पाइप आपको मिल जाएगा, 19 रुपए का पाइप आपको मिल जाएगा, इसका फ्रेम आपको 15-16 रुपए का मिल जाएगा, 6.5 रुपए की आपको रबड़ मिल जाएगी। सारी चीजें आपको हमारे पास अवेलेबल होंगी, एज पर क्वान्टिटी आप इसको लेंगे तो मार्केट के अंदर बढ़िया रिटर्न ले सकते हैं। ये सहनी का वाइपर है। अच्छा, आप इसको ये देखो, ओ भाई साहब, ये फ्लेक्सी वाइपर के नाम मतलब से इतना फ्लेक्सिबल है सर, आप इसको कैसे भी तोड़ मोड़ सकते हो। और ये आप, अरे वाह, मतलब पूरा मोड़ दिया तब भी आप मोड़ देंगे, 85 रुपीज से हमारे पास में स्टार्ट हो जाएगा, 120 रुपए तक फ्लेक्सिबल वाइपर हमारे पास अवेलेबल है। ओके। इस तरह से ये मेटल रोड के साथ में आपको मिलेगा, पूरा का पूरा स्टील वाइपर होगा, 95 रुपीज तक मिल जाएगा। अच्छा, ये देखिए, ये आपको नॉर्मल रबड़ के साथ में मिल जाएगा, पूरा मेटल वाइपर होगा, पूरा स्टील वाइपर है ये, 115 रुपए तक आपको हमारे पास मिल जाएगा, 105 रुपए का मिल जाएगा, सब में मिल जाएगा। टायर रबड़ के अंदर स्टील वाइपर है। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो
ये देखिए क्या बात है, ये आप देख सकते हो मेटल के अंदर है, पूरा का पूरा टायर रबड़ लगी हुई है, काफी मतलब मजबूत लग रहा है सर ये तो। बिल्कुल सर, बहुत हैवी क्वालिटी है। इसको आप मार्केट के अंदर 150 रुपए का भी सेल करोगे ना तो ये होगा, क्योंकि कस्टमर क्या होता है वैरायटी देखता है, बिल्कुल, फिर वो क्वालिटी देखता है। दो तरह के कस्टमर आते हैं, लोकल भी आते हैं, जेन्युइन भी आते हैं। जेन्युइन कस्टमर जो आते हैं वो जेन्युइन सामान लेके जाते हैं। आप अपने जेन्युइन कस्टमर्स को अगर रिटर्न, अगर आप हाई प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो जेन्युइन कस्टमर्स को आपको टारगेट करना पड़ेगा। मोम मेकिंग बिजनेस आपको इस, हमने पहले बनाना दिखा दिया कि कैसे बनता है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मोप का आपको जो क्लैंप लोग है ये आपको 4.5 रुपए का मिल जाएगा हमारे पास में। अगर इसका यान लेना चाहते हैं तो 13 से 14 रुपए का आपको इसका यान मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह की मेटल रोड 4 फीट की मेटल, वो 4 फीट की स्टिक आपको, वुडन स्टिक ये आपको हमारे पास में 12 रुपए की मिल जाएगी। मेटल रोड लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी इसके अंदर। फिर इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ ट्विस्ट मोप्स। ट्विस्ट मोप की सबसे पहली वेरायटी मेरे पास में ये है, आप इसको मेरे पास से परचेज कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 55 रुपीज के अंदर आप इसको परचेज कर सकते हैं। अच्छा, ये आप देखें सिर्फ 55 रुपए का मिलेगा आपके पास। 55 रुपए का। इसका काम क्या होता है, इस तरह से आपने ओपन किया, ये देखिए जी। अच्छा, इससे आपने क्लीनिंग कर लिया, कुछ भी क्लीन कर सकते हैं, फिर आप इसको ऊपर करके और ये आप इसको क्लीन कर सकते हैं, मतलब जो पानी होगा वो निचोड़ सकते हैं। ये ऑरेंज ट्विस्ट मोप होगा और ये निकल क्रोम के अंदर होगा, इसके अंदर हैवी कुशन और हैवी वेट लगा हुआ होता है। ये आपको हैवी प्लास्टिक के अंदर मिलेगा, अलग अलग रेट के साथ में हमारी पीडीएफ के अंदर अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। ड्राई मोप आप हमारे पास में मिल जाएगा, इस तरह की हैवी क्वालिटी के अंदर होगा। इसका भी रॉ मटेरियल आपको मिलेगा, मैं इसका रिफिल चेंज करने का तरीका आपको दिखा देता हूँ, किस तरह से रिफिल चेंज होगा। ओ भाई सर, टूट गया है तो? अरे नहीं सर, टूटा नहीं है। क्या बात कर रहे हो, ये देखिए सर। अच्छा जी, ये हमारे ड्राई मोप की वैरायटी है और ये क्वालिटी है, ये देखो इस तरह की। अगर आपको रिफिल चेंज करना तो ऐसे होगा। अच्छा, और इसको इसी तरह से आप इसको दोबारा से असेंबल कर सकते हैं। ये आपने अच्छा जी, ओके। और ये देखिए, और ये रेडी। अरे वाह क्या बात है, ठीक है सर। मतलब इस तरीके से देखिए आप लोगों का मिलेंगे 16, 18 और 24 तीनों साइज के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इस तरह के आइटम भी हमारे पास अवेलेबल है, जूने हमारे पास में 3 रुपए, 3.5 रुपए, 4.5 रुपए तक ये सारे जूने मिल जाएंगे। अच्छा जी, ठीक है, क्या बात है। ये देखिए हैवी डस्टर कुशन क्वालिटी होती है, ये देखो। अरे वाह कितनी बढ़िया क्वालिटी है। अभी मैं इसमें पानी डालकर आपके लिए दिखाता हूँ। ये देखिए सर, ये इस तरह से पानी है हमारे पास, ठीक है, पानी गिरा हुआ है। इसको आपको क्या करना, गाड़ी वगैरह क्लीन करनी होती है ग्लीस। अरे वाह, ये देखिए पूरा का पूरा आपका जितना भी पानी होगा वो सारा का सारा ये सोख लेगा। अरे वाह, और ये आपका बिल्कुल क्लीन कर देगा। ये आप देख सकते हो किस तरह से एकदम क्लीन हो चुका है। मिनी डस्ट पैन ये आपको हमारे पास अवेलेबल मिल जाएंगे, छोटे छोटे डस्ट पैन है। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ ये आपको 16, 17, 18 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। इस तरह के ब्रूस आपको 10 रुपए, 12 रुपए के अंदर मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कॉपर वायर वाले, जहाँ पे जंग लगा होता है वो साफ करने के काम में आता है। 12-15 रुपए तक ये आपको हमारे पास में मिल जाएंगे। इस तरह का कार्पेट ब्रूस आपको ये हमारे पास में मिल जाएगा, 40-52 रुपीज तक मिल जाएगा, ठीक है जी। ये कार्पेट ब्रूस हो गए हमारे, ठीक है। फिर इसके बाद में ये खर्राटा झाड़ू, आप इसको मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो, अच्छे प्राइस के अंदर सेल होती है। ये खर्राटा झाड़ू आपको मिल जाएगी। टाइल ब्रूस आपको हमारे पास में मिल जाएंगे। इस तरह के ये बेल्ट आपको वॉशरूम, ये पीठ साफ करने के काम में आती है इस तरह की, बिल्कुल। फिर इसके बाद आपको ये ब्रशेज हो गए, ये इस तरह की बोतल वगैरह साफ करने के लिए होते हैं, जाला वगैरह साफ करने के लिए होते हैं, फंसा हुआ चीज जो भी होती है वो इससे निकल जाती है। ये आपको हमारे पास में मिल जाएंगे। क्लीनिंग का राजा अगर मैं कहता हूँ ना इस प्रोडक्ट को, कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 रुपए के रेंज में आपको ये मिल जाता है। अच्छा, और ये आप एक हाथ मारेंगे और ये देखो। अरे वाह, ये देखिए क्या आप सामान देखो सर, अगर मैंने 2-3 बारी मार दिया तो बिल्कुल ही क्लीन कर देता है, साफ हो गया पूरा। कोई भी धूल मिट्टी होती है वो सब क्लीन कर देता है। और ये इस तरह से देखो सब इसके अंदर है। पिछली वीडियो के अंदर जब मैंने दिखाया था तो लोगों ने कहा था कि छोटी मोटी धूल मिट्टी डाली है वो तो अंदर चली जाएगी इसके। अब मैं आपको चावल के दाने ये डाल के दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और ये देखो सर क्या बात, ये पहले आपने पानी डाल दिया, अब आपने क्या करना है, हाँ। ये इस तरह से ये इस साइड से आप इसको रफ कर सकते, मतलब ये आप गाड़ी वगैरह साफ कर रहे हो, ग्लास साफ कर रहे हो, अपने शीशा जो भी आपको साफ करना है उससे आप यहाँ पर से साफ कर सकते हो, मतलब इधर से साफ करेंगे और दूसरी वाली साइड से हम लोग इस तरह से सारा का सारा पानी साफ करते चले जाएंगे। सब साफ आपका, क्या बात। प्रोडक्ट की ना आपको क्वालिटी दिखाता हूँ, अच्छा किस क्वालिटी के हमारे प्रोडक्ट होते हैं। ओए भाई साहब क्या बात है, प्रोडक्ट लेके आता हूँ और हर बार ऐसी नई नई वैरायटी लेके आता हूँ। अब ये देखो आप क्या बात कर रहे हो सर, ओए भाई साहब, और ये लो जी ये देखो, मतलब आग से भी खराब नहीं हो रहा है, आग से खराब नहीं होगा सर। ये देखो ये सानी लाइट के प्रोडक्ट है, ये देखो। अच्छा जी, से लेके कहीं तक भी इस पे कुछ नहीं हुआ है, क्या बात है। मैं आपको एक क्लीन भी करके दिखा रहा हूँ, ये देखो, मतलब ऐसे देखिए दोस्तों, ये गया सारा पानी इसके अंदर, बिल्कुल। और ये देख लो सर, पूरा का पूरा फोम ये आपके सामने क्लीन है, ठीक है, कहीं से लेके कहीं तक कुछ नहीं होगा। और अभी भी ये देखो अनबीटेबल,
अनबीटेबल है सर। क्या बात है, देखिए दोस्तों इस तरीके से देखिए बेहतरीन क्वालिटी के देखिए वाइपर मिलने वाले हैं सर के पास से, मतलब आग से भी ना जले इस तरीके के देखिए प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। ये डाला पानी, क्या बात, और ये देखो बिल्कुल जी पूरा फ्लोर ऐसे कर देगा, क्या बात, पहले क्लीन पड़ा हुआ होता है, बहुत शानदार। सर कितने से माल मिल जाता है आपके पास यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपए तक का आपका ऑर्डर होना चाहिए, सारे क्लीनिंग आइटम हमारे पास में अवेलेबल मिलेंगे आपको। ये 360 मूव आपका क्लीनिंग आइटम है, मतलब चाइनीज वाइपर है, इससे आप ग्लास क्लीन कर सकते हैं, कहीं अच्छा पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखो कहीं पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, बिल्कुल, और इसी तरह से आप क्लीन कर सकते हो, देखो। तो सर ऐसे ही यूनिक प्रोडक्ट्स और जितने भी क्लीनिंग आइटम होते हैं सभी के रॉ मटेरियल आपको आसानी मोप एंड स्टिंग्स पे अवेलेबल, मतलब आग से भी खराब ना होने वाले देखिए प्रोडक्ट आप लोगों को सर के पास यहाँ पे मिलने वाले हैं। आपको आग भी लगा के दिखा दिया, पानी में भी चला के दिखा दिया, हवा में हम लोग रह रहे हैं, बिल्कुल सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी बात है। तो हर तरह से हमारा प्रोडक्ट जो है वो यूजेबल है, आप अपना मार्केट के अंदर अगर अच्छा प्रॉफिट रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको इन प्रोडक्ट्स के अंदर काम करके मार्केट के अंदर आप अच्छे से काम कर सकते हैं। सर मिनिमम ऑर्डर कितने का होना चाहिए आपके पास? मिनिमम ऑर्डर अगर कोई होलसेल वाला हमारा क्लाइंट है जो होलसेल में बल्क क्वांटिटी परचेज करता है वो कितने में 10,000 से लेके 2,00,000-5,00,000 तक परचेज कर सकता है। अगर कोई हमारा रिटेल में परचेज करना चाहता है तो मिनिमम ऑर्डर उनके लिए 3,000 रुपए तक रहता है और रिटेल के लिए अलग नंबर आपको प्रोवाइड होगा। मतलब देख सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छा मार्जिन देखिए इन सब प्रोडक्ट्स पे आप लोग कमा सकते हैं, और प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि सेल आपको हर जगह मिलेगी, मतलब हर दुकान हर किराने स्टोर पे देखिए प्रोडक्ट बिकते हैं, तो आपको मार्केटिंग करने में सेल करने में देखिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है और काफ़ी अच्छा मार्जिन आप लोगों का इसमें अर्न होने वाला है। सर अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे या आपसे डील करना चाहे एड्रेस कहाँ पे पड़ेगा, कहाँ आना है? अगर आपको हमारे पास में आना है तो गूगल पे आप सानी लाइट लिखेंगे तो भी हमारा एड्रेस आपको अवेलेबल मिल जाएगा जी, लोकेशन भी आपको मिल जाएगी, या फिर आप हमें दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करते हैं तो आप जैसे ही हाई का मैसेज व्हाट्सएप पे ड्रॉप करेंगे आपको हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के भी लिंक्स मिल जाएंगे और हमारा नाम एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है, कहीं पे भी आप अपना सामान मंगा सकते हैं, प्रॉपर बिलिंग के साथ में आपको सामान मिलता है, कोई भी किसी तरह का फ्रॉड नहीं है। और मैं सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर कोई भी हमारे पास में परचेज करना चाहता तो एक बार ना पहले आकर हमारे पास में विजिट करें, अपना विजिट करने से पहले आप अपना ऑर्डर बनवाएं, उसको परचेज करने के लिए यहाँ पे आ जाए, लेकिन 1,000 रुपये डाल के प्लीज़ पहले ही बुकिंग कर लें, क्योंकि हमारे पास में पहले से ही ऑर्डर बहुत सारे पेंडिंग में पड़े होते हैं जो कि जाने के लिए डिस्पैच होते रहते हैं। तो अगर आप भी अपना मटेरियल परचेज करने के लिए आ रहे हैं तो आप 1,000 रुपये डाल के अपना बुकिंग करा लें पहले ही, और आएँ और अपना माल अपने आँखों के सामने पैक करा कर ले जाएँ।